हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। बाहर तो हो रही है आज बारिश, और बारिश का मौसम हो रहा है। बाहर तो कोई हम निकल नहीं सकते, तो आज चलो थोड़ा सा ये कमरा सेट कर लूँ। काफ़ी बिखरा पड़ा है और फिर देखते हैं। ये देखिए, काफ़ी कपड़े फोल्ड करके मैंने रख दिए थे और टाइम नहीं मिला। अब मैं पहले इनको सबको सेट कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ। तो मैंने स्टीम ली थी, तो अब इसको पैक करके रख दूँ साफ करके। तो फाइनली बेड मेरा हो गया क्लीन। तो अब मैं सोच रही हूँ, ये कुछ काम ख़त्म हो गया। तो आज बारिश है, ठंडा मौसम हो रहा है, तो घर में सब लोग हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा कुछ मीठा बना लूँ। और मीठे में काजू पड़े हैं, हाँ काजू पड़े हैं, तो फिर आज मैं काजू कतली बना लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो मीठे के सब बहुत शौकीन हैं और मैं भी बहुत मीठा खाती हूँ। जबकि डॉक्टर्स ने अब कहा है कि आप मीठा और चटपटा बंद कीजिए, जो आपके हेल्थ इश्यूज सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं बंद नहीं करना, क्योंकि पता नहीं कब तक भी जिंदगी है, खा पी के मरांगे, ऐवें क्यों मरांगे। परहेज करते रहो करते रहो करते रहो, पता नहीं कल है या नहीं है। क्योंकि मैं तो ये लेके चलती हूँ कि कल की सुबह पता नहीं मेरी किस्मत में है या नहीं, तो इसीलिए मैं उस हिसाब से जीना चाहती हूँ कि कल हो ना हो तो आज ही सब कुछ कर लिया जाए। तो मैं मीठा नहीं छोड़ सकती, मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, उससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मीठा नहीं छोड़ूंगी। तो फिर इसीलिए आज बनाते हैं काजू कतली, वो भी इतनी इजी। तो ठीक है, चलते हैं फिर किचन में। इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी एक पैकेट काजू, जो दो टुकड़ा काजू होता है वो ये है। हलवाई लोग तो चार टुकड़ा आठ टुकड़ा भी काजू इस्तेमाल करते हैं, और इसमें अगर देख लीजिए साफ़ सुथरे काजू हों, अगर कोई पीस इसमें से थोड़ा सा काला वगैरह निकलता है तो उसको निकाल दीजिए, फिर उसको एक कपड़े से साफ़ कर लीजिए अच्छे तरीके से। इसका मेजरमेंट मेरे लगभग 3 कप के बराबर है, 250 ग्राम उसमें काजू आ जाते हैं, वो ये कप है। मेरे जितने भी कप हैं वो लगभग एक ही मेजरमेंट के हैं। और इन काजुओं को हम मिक्सी में डालेंगे और इन्हें चलाएंगे, लेकिन इनको पीसते वक्त एक ध्यान रखना है कि मिक्सी को बीच बीच में थोड़ा देर के लिए रोक लेना है, ताकि जार गर्म ना हो। अगर जार गर्म हो गया तो इसका ऑयल निकल आएगा। तो काजू हमने दरदरे पीसने हैं आटे की तरह, देखिए कुछ इस तरीके से, लेकिन पीसने भुरभुरे हैं, कहीं इसकी बिल्कुल मलाई जैसी ना निकल आए।
इतनी सॉफ्ट नहीं पीसनी और उसके लिए हमें मिक्सी बीच बीच में से रोकनी पड़ेगी। एक ही बार में हम पूरी मिक्सी चला के इसे नहीं पीसते, इसे थोड़ी थोड़ी डिवाइड कर लेते हैं हिस्सों में। देखिए ये इस तरीके से मेरे सारे काजू पिस गए हैं और उनका ये चूरा तैयार हो चुका है। इसमें जो लम्स हैं उनको अच्छे तरीके से हाथों से मैश कर लें। और अब मैं लूँगी 1.25 कप चीनी। मेरी चीनी काफ़ी मोटी है तो कुछ टेस्ट भी अपने अपने हिसाब का होता है, हम थोड़ा मीठा ज़्यादा लेते हैं। तो अगर बारीक चीनी है तो 2 कप चीनी लें, अगर मोटी चीनी है तो 1.25 कप चीनी लें। और ये मैंने 1/2 कप लिया है मिल्क पाउडर। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, और मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और 1/4 कप मैं लूँगी अब पानी चाशनी बनाने के लिए। 1 कढ़ाई में 1/4 कप पानी डाल के इसमें मैं चाशनी डाल दूँगी। मेरी मोटी चीनी है तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा चाशनी बनने के लिए। चाशनी कोई 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी। इधर मैंने मिल्क पाउडर मिक्स कर दिया है काजू के पाउडर में और इधर मेरी चाशनी उबल रही है। इस चाशनी की 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी होती, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाशनी बन जाएगी तो ये फिर टूट जाएंगी। तो इसको इस तरीके से हमने चेक करना है कि 1 कटोरी में पानी ले लिया और उसमें हमने ये थोड़ी सी चाशनी ड्रॉप की, अगर वो ड्रॉप करी हुई चाशनी नीचे बैठ जाती है तो समझो हमारी चाशनी हो गई तैयार। और अब इसमें हमने डाल दिया जो काजू पाउडर था और जो मिल्क पाउडर था उसको, और अच्छे तरीके से इसको चलाना स्टार्ट कर दिया। फ्लेम स्लो ही होनी चाहिए कि ये जल ना जाए, और इसे लगातार हमको अब चलाना है क्योंकि अब इसमें चीनी भी मिक्स हो चुकी है। पहले ये थोड़ी देर हलवे की तरह पतला पतला सा होगा लेकिन बाद बाद में ये गाढ़ा होता जाएगा, और इसको लगातार ही चलाते जाना है जब तक कि ये अच्छे एक डो की तरह तैयार ना हो जाए। देखिए ये अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो अब हम इसके साइडों में 1.5-2 चम्मच के करीब देसी घी डाल देंगे ताकि ये कढ़ाई से छूट जाए और एक डो की तरह तैयार हो जाए। और अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको चलाते चलाते ही कढ़ाई में थोड़ा सा ठंडा भी कर लेंगे क्योंकि अभी तक हमारी कढ़ाई गर्म है, तो ये ना हो कि इसको हम छोड़ के चले जाएं साइड में कि अपने आप ठंडा हो जाएगा तो ये नीचे से फिर जल जाएगा। तो देखिए अब ये थोड़ा सा सूख के हमारा डो जैसा तैयार हो गया है। और आज मेरी थाली जरा दूसरी जगह बिजी है तो मैं उसमें डाल नहीं पाई, एक बड़े बर्तन में डाल के इसको ठंडा कर लेना है। जब ये हल्का सा गुनगुना रहे तो एक हमारे पास मोटी प्लास्टिक की शीट होनी चाहिए। मेरे पास ये राइस होते हैं जो पैकेट वाले, उसका ये मेरे पास पड़ी हुई थी शीट, वैसे जिसमें आटा आता है वो भी यूज़ हो सकती है। और उसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है देसी घी से, और मेरा ये जो डो बनके अब तैयार हो चुका है ये थोड़ा सा गुनगुना है, इतना गुनगुना है कि अभी मैं इसको जल्दी से हाथ में ले नहीं पा रही। तो इसको आटे की तरह थोड़ा प्यार प्यार से हमने गूंथना है और ये आटे की तरह हल्का सा मुलायम हो जाना चाहिए। अब ये इतना गर्म है तो मुझे पन्नी इसके ऊपर लगा के यूं गूंथना पड़ रहा है। जब इतना गर्म हो तभी गूंथिएगा क्योंकि अगर ठंडा हो गया तो ये टूट जाएगी और गूंथी नहीं जाएगी, इसलिए इसको एक आटे के डो की तरह तैयार कर लेना है पन्नी ऊपर डाल डाल के, क्योंकि पन्नी में घी लगा हुआ है तो वो इसमें भी लग जाएगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। ये हो गया हमारा डो तैयार बिल्कुल आटे की तरह। और अब हम इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे। इसको मोटा पतला आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करिए, मैं तो लगभग उतना मोटा रखती हूँ जितनी बाजार की काजू कतली आती है, तभी उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल रेडीमेड फील होता है। और इसको अब मैं थोड़ा सा और बेलूँगी क्योंकि अभी ये काफ़ी मोटी है। इसको आपने जिस तरीके से शेप देनी है आप दे सकते हैं, और इस पर वर्क भी अप्लाई कर सकते हैं, चांदी का जो वर्क आता है, हमारे यहाँ तो उसको यूज़ नहीं किया जाता। और अब हम इसको चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे इसको शेप देने के लिए।
इसको कट करने के बाद आप इस पे वर्क अप्लाई कर सकते हैं। मैं नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा परहेज किया जाता है कि वो नॉन वेज के ऊपर रख के उसको कूटा जाता है, तो इसलिए बिल्कुल भी वो नहीं ला के देते। मैंने कई बार इनसे कहा भी है कि मुझे ला दो, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया कि नहीं, वो हमारे घर में यूज़ नहीं होगा। झाई जी भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा परहेज करती हैं। तो इसको आप अपनी मर्जी की शेप में काट लीजिए। मैंने तो ये काट ली अपनी मर्जी की शेप में। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अगर आप गरम गरम इसको उठाएंगे तो ये उठ नहीं पाएगी। इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए एक घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप ये देखेंगे कि हमारे कितने अच्छे ढंग से बर्फ़ी तैयार हो गई है और निकल के आ रही है, और हम उसको इस तरीके से प्लेट में सजा सकते हैं। अगर इसके ऊपर वर्क अभी होता तो ये बहुत अच्छी लगती, मगर क्या करें, हमारे घर नहीं यूज़ होता। तो आप भी ये बनाइए और लगभग एक महीने तक स्टोर हो सकती है, मगर एक महीने तक इसको छोड़ेगा कौन घर में? कोई भी नहीं छोड़ेगा। मेरे घर तो ये एक दिन चलती है बस। ये देखिए, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में हमारी हो गई काजू कतली तैयार, इतने कम टाइम में और इतने कम बजट में। तो आप भी इसको बनाइए, स्टोर करिए, और बिगनर्स तो बहुत अच्छे ढंग से इसको बना के मज़े से खा सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।